झारखंड में सबसे बड़े करदाता के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपनी आमदनी पर टैक्स के रूप में कुल 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च तक उन्होंने टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया है। आज भी धोनी अपनी ब्रांड वैल्यू को मजबूत बनाए रखने में सफल रहे हैं। दोनों वर्षों में एक ही राशि के भुगतान से ये संभावना जताई जा रही है कि उनकी आमदनी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। भुगतान की राशि एक ही होने की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि भले ही धोनी की ब्रांड वैल्यू बाजार में आज भी बरकरार है, लेकिन उनकी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। धोनी कई माध्यम से पैसे कमाते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के तौर पर उनकी ब्रांड वैल्यू है, यही वजह है कि वह कई उत्पादों के प्रचार करते हैं। धोनी की अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी भी है जिसके जरिए वो कमाई करते हैं। कोचिंग के लिए बनाई गई कंपनी भी उनके पास है। आईपीएल में उनका सफर आज ही जारी है। टोर्ट्स वेयर होम इंटीरियर की कंपनी होमलेन पुरानी कारों की खरीद बिक्री करने वाली कंपनी कार्स 24 स्टार्टअप कंपनी खाता बुक बाइक रेसिंग कंपनी टोर्ट्स कंपनी रन एडम और ऑर्गेनिक फार्मर के अलावा उन्होंने कई कंपनियों में निवेश कर रखा है। महेंद्र सिंह धोनी की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, देश ही नहीं दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।